हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्सम साल्ट के बारे में। इसका क्या यूज होता है, इसका कंपोनेंट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्वीट शॉप पर जाएंगे कि मुझे एप्सम साल्ट चाहिए, तो शायद वो आपको ना दे पाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो नाम होता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। फ्रेंड्स, जो मेरे पास एप्सम सॉल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एप्सम सॉल्ट का पैकेट है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का मात्रा जो है वो है 9.6% और इसको MgFCO ग्रेड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है और ये पैकेट आपको किसी भी चीट शॉप पर 70 रुपये में 1 किलो का पैकेट मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है देख सकते हैं आप, मैग्नेट है, ये सब लिखा हुआ है कैसे इसको यूज करना है, बेनिफिट वगैरह सब कुछ लिखे रहते हैं पैकेट के ऊपर। और इसका कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन आप जैसे देख रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम जो है वो है 9.6%, सल्फर भी है वो है आपका 12.0। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे प्लांट्स में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है, तो आपने देखा होगा उनकी जो लीव्स हैं वो कर्ली लीव्स हो जाती हैं, एक बार लीव्स येलो भी होने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट आप देख रहे हैं, ये पौधों को हरा भरा कर देता है। अब हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे, इसको यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम इसको डायरेक्ट सॉइल में यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको यूज करने से पहले आपको अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर ली है। उसको क्या करना है आपको, यह है इसको इस तरीके से लेना है और इसमें इस तरीके से आप डाल देना है, आधा चम्मच के बराबर एक प्लांट में डाल देना है। ये तो हो गया इसका सॉइल में यूज करने का तरीका। और दूसरा तरीका जो है इसका, वो है फॉलिएज के द्वारा, वाटर स्प्रे के द्वारा। तो फ्रेंड्स, चलिए वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये स्प्रे बोतल है मेरी, इसमें पानी भर लिया है, 1 लीटर पानी है ये। 1 लीटर पानी में आपको आधे चम्मच के बराबर डालनी है। सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा मेरी उंगली आ गई थी, माफ़ी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी मैं चम्मच लेके नहीं आया हूँ, मैंने ये पेपर लिया हुआ है एक अंदाज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी छोटी चम्मच रहती है, उसमें लगभग लगभग इतना ही आता है। तो इसको हमें 1 लीटर पानी में डिजॉल्व कर देना है। उसके बाद स्प्रे बोतल का स्क्रू कैप को टाइट कर देना है। टाइट करके इसका हैंडल कर लेना है। तो फ्रेंड, मिक्स करने के बाद, ये हमारे प्लांट हैं, चाहे आपका कोई सा भी प्लांट हो, बोतल का, पर्सलिन, हिबिस्कस, किसी भी प्लांट पर आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही मेरा बोतल का प्लांट है, मैं स्प्रे कर रहा हूँ। देखिए, ये हो गया मेरा जेट प्लांट। जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, इस पर कल एक फ्लावर खिलेगा, कुछ प्लांट्स मेरे इधर रखे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का टॉपिक? फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बटन है बेल आइकन का, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे जितने वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स,
हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।